तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें ताकि आप दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से हमसे जुड़े रहें। जन आशीर्वाद यात्रा गंधवानी में हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत। मंत्री सक्सेचा बोले, कांग्रेस ने हमेशा जनजातीय समाज के साथ किया अन्याय। अनंतनाग में सेना आतंकियों के बीच लगातार दूसरे दिन फायरिंग, दो दहशतगर्दों को घेरा। कल एनकाउंटर में कर्नल, मेजर और डीएसपी हुए थे शहीद। फिरोजाबाद में भाजपा नेता को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। विवादित धर्मशाला के विवाद में पहुंचे थे बीच बचाव कराने, वीडियो बनाने पर हुई पिटाई। आनंद मोहन बोले, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बड़ी चीज है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के असली हैं दावेदार, बीजेपी का पलटवार, मोदी सूरज है तो नीतीश तारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज रायगढ़ का करेंगे दौरा, 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्र को समर्पित करेंगे 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बिजली कड़कने समेत तेज बारिश की जताई संभावना। इंडिया गठबंधन पर मोदी ने किया तीखा हमला, बोले मिलकर सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे रायगढ़, छत्तीसगढ़ को देंगे 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से डर गया है पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना प्रमुख एर्दोगान से मिले, दोनों ने मिलकर किया बातचीत। मानहानि केस में केजरीवाल को बड़ा झटका, ट्रायल कोर्ट देनी होगी पेशी, सेशन कोर्ट ने खारिज की समन पर रोक लगाने की मांग। नीतीश मुफ्त लाए ममता की अलग चर्चा, राहुल की अपनी राय, प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर उलझ गया इंडिया गठबंधन। राजस्थान में कल से बंद रहेंगे 7,000 पेट्रोल पंप, हड़ताल के दूसरे दिन नई बनी सहमति, सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन होगी हड़ताल। लारेंस के ग्रुप में शामिल होना चाहता था मोनू मानेसर, गंगेस्टर के भाई अनमोल के संपर्क में था, गिरफ्तारी से पहले 15 दिन हुई थी बातचीत। पटना पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आज राजभवन में ही ठहरेंगे, कल नालंदा में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन 10 चैनल्स के 14 एंकरों का करेगा बहिष्कार, कांग्रेस बोली नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत मुक्त भारत बनाना है।